अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल विद शगुफ्ता। सो आज मैं आपके लिए कुछ चटपटा, कुछ गर्मा गर्म, जैसे कि आप दिल्ली की ठंडी से वाकिफ हैं कि दिसंबर में दिल्ली की ठंडी कितनी ज़्यादा पड़ती है, तो मैं इसी बेस पे आपके लिए कुछ गर्मा गर्म लेकर आई हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg चिकन एंड इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें कि आप कितना नमकीन पसंद करते हैं। देन इसके बाद मैंने लहसुन अदरक और इसका पेस्ट बना के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 tablespoons। और इसके बाद मैंने 2 tablespoons इसमें लाल मिर्च ऐड किया है। देन इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल। और मैं इसे बहुत सिंपल वे में बना के आपको दिखा रही हूँ, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। और इसे मैंने ऐसे ही, मुझे कुछ इसे जल्द ही बनाना था तो मैंने इसे इसी वे में बनाया है। और आइए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि सारी चीज़ें हमें इक्वल मिक्स हो जाए। और मैं इसे सिर्फ 30 minutes के लिए मैरिनेट करूँगी। ये आपके ऊपर है, आप फुल डे भी कर सकते हैं मैरिनेट और 3 hours भी कर सकते हैं, बट मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि टिक्के और कबाब खाने का, सो मैंने इसे ओनली 30 minutes ही मैरिनेट किया है। तो अब हम इसे 30 minutes के लिए बिल्कुल ढक के अलग रख देंगे। देन इसके बाद हम, मैंने जो कोयले होते हैं, अंगीठी जिसे बोलते हैं, मैंने वो इसे जला के रख रखा। देन इस तरह मैंने इसे लगा के इसे सेके हैं। और ये अंगीठी पे, कोयले पे जब हम सेकते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और रियल में ये जो कबाब और जो टिक्के होते हैं वो ऐसे ही सेके जाते हैं। और यहाँ ये हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये लुक में ही, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में गार्निश किया है अनियन के साथ और ग्रीन चिलीज एंड लेमन एंड थोड़ी सी सॉस के साथ। आप अपने अकॉर्डिंग से गार्निश कर सकते हैं। और जो हमारा विंटर सीज़न चल रहा है, दिल्ली की जो सर्दी है, तो इससे तो आप वाकिफ ही हैं। तो इस सर्दी में आप कुछ बनाना चाहते हैं गर्मा गर्म और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाए, मैंने आपके साथ बहुत ही ईजी रेसिपी शेयर की है। इससे आप मिनिमम 30 minutes एंड 45 minutes के अंदर बना के बिल्कुल ही रेडी हो सकता है। और इस सर्दी में तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अगर आप कुछ बिल्कुल गर्मा गर्म खाना चाहते हैं। और टिक्के कबाब कौन नहीं खाना चाहता, हर किसी का ये फेवरेट होता है। इवन देखते ही सबके मुंह में एक्चुअली पानी आ जाता है। सो इससे तो आप ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही इजी रेसिपी, बहुत आसान तरीके से आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड मेरे कुछ कज़न्स हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं, कॉलेज या कॉलेज के स्टूडेंट भी आप ले सकते हैं, तो वो अलग रहते हैं एंड पीजी और मैस का खाना खा के वो बोर हो जाते हैं। तो सारे जो बॉयज़ होते हैं वो लेट गैदर होते हैं, तो वो मुझे मेरे जो कज़न से वो मैसेज करते हैं कि आप ही आप प्लीज़ ऐसी चीज़ें डालिए जो हम भी ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारे पास पूरे मसाले नहीं होते तो हम भी ये ट्राई कर सकें। तो ये मेन मकसद मेरा यही रहता है कि मैं वो चीज़ लेकर आऊँ जो हर एक बंदा, हर एक इंसान उसे ट्राई कर सके। ये ना सोचे कि लोगों के पास ये वीडियो देख के कि नहीं मेरे पास ये मसाला नहीं है, मैं ये कैसे ट्राई करूँ। तो नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी किचन में मौजूद है, एटलीस्ट किचन में मौजूद नहीं है तो आप किसी भी ग्रॉसरी आइटम से, किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर चले जाएँ, आप उनसे ये कह दें, वो ये आइटम्स ज़रूर दे देंगे। और ये चीज़ें तो बहुत ही मामूली चीज़ है, अगर आप खाना बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपके किचन में होंगी। सो ये चीज़ें मैं उनके लिए ही लेकर आती हूँ, हर एक बंदा इसे ट्राई कर सकते हैं। और मेरा मेन यही रहता है कि मैं बहुत ही इजी से इजी रेसिपी लेकर आऊँ, ज़्यादा टफ लेकर नहीं आऊँ, या उसे टफ वे में, जो टफ वे में भी होती है तो मैं उसे कोशिश करती हूँ क्यों ना मैं इसे इजी वे में लेकर आऊँ आप लोगों के सामने, कि हर एक इंसान इसे ट्राई करे। बिकॉज ये हमें ही सिर्फ नहीं सीखा, जब हमने ये चीज़ स्टार्ट किया तो हम चाहते हैं कि हर एक इंसान इस चीज़ को सीखे। सो मेरा मेन ही यही है कि मैं ये चीज़ हर जगह फैलाऊं। और मेरे जो कज़न्स होते हैं वो मुझे स्पेशली मैसेज करके बोलते हैं कि आप मेरे लिए ऐसी वीडियोस बनाएं, वीडियोस से वो इंस्पायर होते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे नेबरहुड में या मेरे कज़न्स, जब वो मेरी वीडियो से इंस्पायर होकर वो खुद बनाते हैं एंड पिक क्लिक करके भेजते, वो मूवमेंट मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती। वो मूवमेंट मेरे लिए प्राउडफुल ही होता है कि एटलीस्ट हमारी ये कोशिश किसी के तो काम आई, किसी एक ने तो ट्राई किया, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउडफुल है। सॉफ्ट ड्रिंक के साथ इस तरह सर्व किया है, और जिसका नेम है मोहितो।
अगर आप इस ड्रिंक को बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से अगर आपको पसंद आए तो आप बना सकते हैं। सो ये था हमारा फाइनल लुक, और यहाँ पे हमारा ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं, और ये वीडियो थी हमारी छोटी सी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे जो चैनल का बेल आइकन है प्लीज़ उसे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर।